चलो अब एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन 1 क्या बोला है उसमें हमें गिव फर्स्ट द स्टेप यू गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन ठीक है अगर यूज टू सेपरेट ऐसा बोला ना यूज टू सेपरेट जैसे कि यहाँ बोला यूज टू सेपरेट तो ऐसे टाइम पे आप बैलेंसिंग मेथड का यूज करो कौन सी मेथड बैलेंसिंग मेथड ऐसा हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो यूज टू सेपरेट देखो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में ऐसा ही बोला यूज टू सेपरेट है ना है ऐसा या सभी में आपके बैलेंसिंग मेथड का यूज करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है चलो तो सबसे पहले उसका एक पार्ट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नहीं समझ आ रहा हूँ वो बंद रखने को बोला है तो क्या है चलो इक्वेशन है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं बैलेंसिंग मेथड में जो चीज स्टार्ट करते हैं वही चीज इस तरफ भी करनी होती है ठीक है इस तरफ हमको सिर्फ एक्स यानी कि जो वेरिएबल हो उसको ही अकेला रखना है साथ में जो नंबर है वो निकलता है ऐसा कुछ करना है अगर यहाँ पे सिर्फ अगर एक्स को ही रखना है तो हमें तकलीफ कौन दे रहा है ये वन ठीक है तो अगर यहाँ पे अगर जीरो करना हो तो क्या करना पड़ेगा नहीं उस तरफ नहीं नहीं करना हमें वो बैलेंसिंग मेथड यूज कर रहे हैं बैलेंसिंग तो देखो क्या करने का पहले इक्वल के नीचे इक्वल कर दो x को इसी तरफ रखो ठीक है तकलीफ कौन कर रहा है ऐसा बोला आपने वन ठीक है तो अब यहाँ पे जीरो हो जाए ऐसा कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं इसमें से क्या प्लस माइनस कर सकते हैं तो जीरो हो जाएगा मतलब देखो ये माइनस वन है मतलब ये रखने का ही वैसे का वैसा सब कुछ और इधर भी सब कुछ जैसे का वैसा रखना ही है पर यहाँ ऐसा क्या करेंगे तो ये माइनस वन निकल के जीरो हो जाएगा माइनस वन उसमें क्या हम ऐड करें हाँ अगर वन प्लस करें तो यहाँ जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ हम देखो प्लस वन किया अब जो चीज इधर किया वही चीज इधर भी करेंगे उसको बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं यहाँ प्लस वन किया ना तो इधर भी प्लस वन करना है ठीक है बस आप इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा कट जाएगा जीरो तो यहाँ वन बचा सिर्फ एक्स और यहाँ जीरो प्लस वन क्या होगा वन ही होगा इसलिए आंसर वन पहले जब ध्यान दो कोई लिखेगा नहीं अभी बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा ठीक है पहले समझ लो ये एक पार्ट हुआ बी पार्ट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है जो चीज लिखा है उसको वैसे का वैसा पहले लिख दो देखो एक्स प्लस वन फिर यहाँ थोड़ी जगह छोड़ो ठीक है अब बैलेंसिंग मेथड का यूज करें कौन से बैलेंसिंग मेथड तो उसमें देखो जो वेरिएबल है ना यानी कि x y ऐसा कुछ भी जो दिया वही सिर्फ रहना चाहिए इस तरफ तो इसके अलावा और कौन है हमारे पास दिया वन अब इस वन को हटाना हो तो क्या कर सकते हैं माइनस वन अगर ये माइनस वन कर देंगे तो यह जीरो हो जाएगा तो यह सिर्फ यही रहेगा बराबर तो चलो वही कर दें करेंगे माइनस वन अब जो चीज इधर किया इधर ध्यान दो जो चीज इधर इस
वन तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ एक में से एक जाएगा जीरो, यहाँ क्या बचा सिर्फ एक्स और दूसरी का जीरो माइनस वन क्या होगा ना, जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन होता है, जीरो माइनस वन माइनस वन।
अब मैं और सॉल्व कर ले रहा हूँ ठीक से, ठीक है, जिन्होंने किया वो करेक्शन कर ले। Five minus four.
को माइनस फोर